छाछरू तहसील के कमठाना गांव में रमेश पाटीदार द्वारा गौ हत्या की गई गाय को घर से मारते मारते गांव के बाहर तलाई के पास ले जाया गया। गाय का सींग भी तोड़ा गया तथा गाय का वध कर दिया गया। जहां धर्म के रक्षक गाय पालने की शिक्षा दे रहे हैं, वहीं पशुधन को संभालने वाले ही किसान गौ हत्या करने लगे तो गायों की रक्षा कौन करेगा। ग्रामीण जनों ने समझाने पर बोला कि मेरी गाय है, मैं कुछ भी करूंगा। गाय प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी थी तथा दूध नहीं दे रही थी। इस कारण ग्रामीण जनों ने गाय की हत्या के बाद गाय को कुछ वरिष्ठ व्यक्ति ने उज्जैन जाकर विधि विधान से क्रियाक्रम किया और तथा गाय केशव को विधि विधान से गाजे बाजे के साथ दफनाया गया। सूचना भाट पछलाना थाना और पशु चिकित्सक को दी गई, जिसकी गाय का पोस्टमार्टम किया गया और व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी से खाचरो तहसील रिपोर्टर गिरधारी धाकड़ की रिपोर्ट। आप कमठावा गांव निवासी सभी, जो मामला सामने आया था, जो हमें पता चला है कि यहाँ गाँव में, कमठाना गाँव में गौ हत्या की गई है, दो गौ हत्या हो चुकी है, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि हत्या किसने की, कैसे की और क्या कारण है? ये हत्या रमेश पिता जगदीश ने पहले तो दूध खाया, जिसके बाद वो जाती तो रमेश पिता जगदीश पाटीदार है ना? हाँ सर। तो उसने वहाँ से घर से मारते मारते वो लाया और यह लाके सिंग तोड़ दिए, उसके सिंग फेंक दिए। आदमी, जिस आदमी ने ये हत्या की, वो के नशे का आदि है क्या? नशे का आदि नहीं है। तो बेबी माइंड है, बड़ा दिमाग। तो गो हत्या करने का मुख्य कारण कोई पता नहीं है, बस वो ठहरने रही, दूध नहीं दे रही थी और क्या, मतलब गाय उसके हिसाब से बिना उपयोग की हो गई थी तो उसने हत्या कर दी। ऐसे माहौल में उसे ये पता था कि आसपास क्षेत्र में गौशाला है, वहाँ जाके उनको गौशाला में रख सके। जिसके बाद तो बोला भी लोगों ने था कि मेरी गाय है, मैं मारू के कुछ भी करूँ। गो हत्या के ऊपर तो देश पूरी जूझ रहा है आज, के गो हत्या रोकी जाए, बुचड़ खाने रोके जाए, ऐसी स्थिति में खुद इंसान गो पालने वाला है ऐसा कुकृत्य करेगा, वाकई घिनौना करते हुआ है आपके हिसाब से? हुआ है तो ही तो करा, नहीं तो करते। ऐसे व्यक्ति को कुछ अपने धर्म के हिसाब से कुछ सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप ही ग्रामीण जन के सहयोग से उस व्यक्ति द्वारा कुकृत्य किया गया है और एक पशुधन गाय, जिसे हम धर्म के हिसाब से माता मानते हैं, उसके साथ गलत हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी तो 10 और सुधर जाएंगे, आपका कहना यही है? धन्यवाद साहब। जो कमठाना का गोहत्या का मामला सामने आया है, उसमें ग्रामीण जन ने बोला, बताया गया है कि वहाँ के स्थानीय निवासी रमेश पाटीदार ने गाय की हत्या की गई है। क्या आपने जांच की, देखा और आप वहाँ मौके पे गए थे? आज सुबह रवि पिता मोहनलाल पाटीदार ने थाने पे आकर रिपोर्ट किया था कि रमेश पिता जगदीश पाटीदार ने अपनी स्वयं की गाय को जो दूध नहीं दे रही थी उसके साथ में मारपीट करी, जिससे वो मर गई। अपनों ने धारा 429 का मुकदमा कायम कर गाय का पीएम करवाया गया है और विधिवत उसको दफनाई गई है और आरोपी जो है राउंड अप किया गया है। धन्यवाद सर।